गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रू एंड फॉल्स सिखाया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर फोर, डू एज दैट। उसमें फर्स्ट ए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि जो नंबर दिया गया है उसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आया है 276, यानी कि 276 को मुझे वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 200, तो मैं पहले क्या लिख दूंगी, 200। अब क्या आ रहा है, 7676, तो हमें पता है ना 76 की स्पेलिंग क्या होती है, आपने सीनियर केजी फर्स्ट सेकंड में सीखा हुआ है। तो 70 की स्पेलिंग क्या होगी, SEVENTY, 70, और फिर आता है 6। सेकंड एग्जांपल 689। अब 6 में बोल क्या रहे, 600, तो मैं वर्ड्स में भी वही लिखूंगी जो हम लोग बोलते हैं वही लिखेंगे, 600। अब 89 क्या होता है, 89, EIGHTY 80 और NINE 9, ये हमारा हो गया नंबर इन वर्ड्स। सभी है, राइट द फॉलोइंग इन फिंगर्स, यानी कि अब हमें नंबर में लिखना है, वर्ड्स में दिया गया है अब उसको हमें नंबर में लिखना है। पहले क्या बोला है, 700, यानी कि क्या बोला है, 700 बोला है तो हमने लिख दिया 700। अब बोला है 92, कैसे, 92, यानी कि 792। सेकंड है 325, बोला क्या गया है, 300, तो पहले 3 लिखा है, 300 बोला है तो हमने 3 लिख दिया। अब 25 कैसे लिखते हैं हम लोग, 2525। C है, एक्सपेंड द नंबर्स गिवन बिलो, यानी कि मैंने आपको बोला था एक्सपेंड लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास में सीख चुके हो। अब यहाँ पे लिखा है 784 इज इक्वल टू डैश 100 प्लस डैश 10 प्लस डैश 1, यानी कि कौन कौन सा नंबर 100 के प्लेस वैल्यू पे, कौन सा नंबर 10 की प्लेस वैल्यू पे और कौन सा नंबर 1 की प्लेस वैल्यू पे। 784 में अब 100 में कौन सा नंबर आता है, तो मैंने बोला था ना कि लास्ट फर्स्ट जो नंबर आता है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पे आता है, 100 की। 8 हमारा कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 10 की, और 4 हमारा 1 की। आया समझ में? ओके। सेकंड है 900, 900 में 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 100 की। 0 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 10 की, और ये सेकंड 0 कौन सी प्लेस वैल्यू है, 1 की। ओके। डी है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। अब आपको ये 100, 10 सब कुछ लिख के दिया है, आपको सिर्फ इस तरह से नंबर्स में लिखना है। देखो कैसे लिखा है, 400 प्लस 9 10 प्लस 8 1, जिस तरह से हमने 700 प्लस 8 10 प्लस 4 बस लिखा था, तो नंबर क्या है, 784। तो उसी तरह से 400, 9 10, 8 10, तो 4 10 में 9 और 1 में 8, यानी कि 498। सेकंड है 100 प्लस 4 10 प्लस 5 1, तो क्या लिखा है, 1 10 में 4 और 1 में 5, यानी कि 145। नेक्स्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट, यानी कि जो नंबर पे हमें सर्कल किया गया है उस नंबर की प्लेस वैल्यू कौन सी है।
अब देखो थ्री पे ऊपर सर्कल किया है, ये लास्ट नंबर कौन सा है आपको पता है? वंस। बीच वाला कौन सा है? टेन। और फर्स्ट वाला कौन सा होता है? हंड्रेड। ओके, तो मैंने क्या था, वंस में हंड्रेड में कितने जीरो आते हैं? टू। वंस में वन, और टेंथ में वन जीरो आता है, और वंस में एक भी नहीं आता है, इस इज़ इट, वही का वही नंबर रहता है। तो हमने सर्कल कौन से नंबर पे किया है? थ्री। तो यहाँ पे क्या है, टेंथ की प्लेस वाली पे ले थ्री जीरो थर्टी। सेकेंड है 294, उसमें आपको टू को सर्कल करके दिया है। टू कौन सी प्लेस वाले पे? हंड्रेड। हंड्रेड के पीछे कितने जीरो लगते हैं? टू, यानी कि टू हंड्रेड। इस तरह से आपको फिर करना है। एफ है पुट द सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्क्वेयर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको सर्कल करना है, और जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर आपको स्क्वेयर करना है। अब यहाँ पे पहले तो देख लेते, पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढ लेते। तो फर्स्ट नंबर मैंने आपको सिखाया था, पहले फर्स्ट नंबर पे अंडरलाइन करके देख लो कि क्या वो ही वही नंबर है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? एट। फिर कौन सा है? टू। फिर फोर, सिक्स एंड वन। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जो स्टार्टिंग से हम लोग वन टू थ्री बोलते हैं उसमें जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो एट नहीं आता, टू नहीं आता, एट से छोटा टू होता है, टू से बड़ा फोर है, फोर से बड़ा सिक्स है, और सिक्स से छोटा वन है। तो ये वन सबसे छोटा है, तो ये कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको मैंने सर्कल कर दिया। अब उसी में आपको देखना है द ग्रेटेस्ट नंबर स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब एक तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, तो हमें इसको नहीं देखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब बड़ा नंबर ढूंढना है, एट टू फोर सिक्स। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? टू होगा? नहीं, फोर होगा। टू से बड़ा फोर है, फोर से बड़ा सिक्स है, और सिक्स से बड़ा कौन सा है? एट। तो हम इसको क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी ये कौन सा हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। सेकंड है थ्री फोर एट। फोर फोर एट, टू एट जीरो, थ्री फाइव जीरो एंड नाइन फोर सिक्स। मैंने बोला था पहले सबसे पहले नंबर पे अंडरलाइन कर देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे, थ्री फोर टू थ्री नाइन। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? टू, यानी कि इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? सर्कल। अब जो सर्कल किया उसको तो देखना नहीं है, अब हमें ढूंढना है बड़ा नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर। थ्री, थ्री से बड़ा फोर होता है, फोर से बड़ा वापस फोर, फोर से बड़ा क्या होता है? नाइन। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर 946। उसको हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ओके, ट्रेटिंग नंबर यानी कि बिफोर नंबर, यानी कि जो पहले आता है। हम लोग नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड सब में आपने बिफोर नंबर सीखे। अब यहाँ पे देखो 142। 42 से पहले कौन सा नंबर आता है? 41 आता है। तो 100 का 100 आएगा, 41 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 42 से पहले 41। आया समझ में? सेकंड है 16 नंबर, यानी कि आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर यानी कि बाद का नंबर। 265 के बाद कौन सा नंबर आता है? 265, 65 के बाद 66, यानी कि 266। लास्ट आता है मिडल नंबर। मिडल नंबर यानी बीच का नंबर, 483-485। 483 और 485 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 483। 483 के बाद 484, तो यहाँ पे क्या आएगा? 484। और फिर बाद में कौन सा नंबर आया? 485। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।